हरी का जादुई घर और जादुई फ्रॉक। एक समय की बात है, रामपुर गांव में सोनाली अपनी छोटी बहन मीना के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी, क्योंकि सोनाली के माता पिता की कुछ साल पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी सोनाली के कंधों पर ही आ जाती है। सोनाली अपनी छोटी बहन मीना का ध्यान रखने और उसकी पढ़ाई लिखाई की वजह से अपना स्कूल बीच में ही छोड़ देती है और अपनी छोटी बहन मीना को गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती है और खुद घर के कामों में लग जाती है। और घर के काम खत्म करने के बाद सोनाली गांव के मुखिया के यहाँ साफ सफाई का काम करने के लिए जाती है, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और वह उन्हीं पैसों से अपने घर का गुजारा करती है। ऐसे ही आज भी, अरे मीना जल्दी उठ जाओ, सुबह हो गई है, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना, और मुझे अपने काम पर भी जाना है, इसलिए तुम जल्दी से उठकर नाश्ता कर लो, मैं अपने काम पर जा रही हूँ। इतना कहकर सोनाली अपने काम पर चली जाती है, लेकिन उसके काम पर पहुंचते ही मुखिया की पत्नी उस पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि मुखिया की पत्नी बहुत ज्यादा घमंडी और मतलबी किस्म की औरत थी और वो हमेशा सोनाली से अपने घर का एक्स्ट्रा काम ही करवाया करती थी। अरे आज फिर तूने आने में इतनी देर कर दी, तुझे पता है ना घर में कितना सारा काम पड़ा है और आज तुझे घर के और भी काम करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आज घर के सारे नौकरों की छुट्टी दे दी है। लेकिन मालकिन मुझे अपने घर जल्दी जाना होगा, वरना मेरी छोटी बहन के लिए खाना कौन बनाएगा। अरे तेरी बहन का ठेका मैंने नहीं ले रखा है, तुझे काम करना है तो बता, वरना यहाँ से जा। नहीं नहीं मालकिन, मुझे काम से मत निकालिए, मैं आपके सारे काम कर दूंगी। सोनाली मजबूरी में आकर कोकिला के घर का सारा काम करने लगती है और उसे काम करते करते शाम हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। शाम होते ही ठंड भी बढ़ जाती है और सोनाली के पास पहनने के लिए कोई भी गर्म कपड़े नहीं थे, इसलिए वो सारा काम खत्म करके कांपते हुए कोकिला के पास जाती है और कहती है, मालकिन मैंने सारा घर का काम कर दिया है और अब शाम भी हो गई है, तो क्या मैं अब घर जा सकती हूँ। अरे हाँ हाँ, लेकिन सुन, अगर कल भी तुझे काम पर आने में देर हो गई ना, तो इस बार तुझे पक्का मैं काम से निकाल दूंगी, समझी। नहीं नहीं मालकिन, मैं कल से टाइम से आ जाऊंगी। इतना कहते हुए सोनाली ठंड से कांपती हुई अपने घर जाती है। उसके घर जाते ही मीना उससे कहती है, अरे दीदी आप आ गई, लेकिन आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? को पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे पता है मेरी प्यारी बहन, लेकिन मैं क्या करती, मालकिन ने आज इतना सारा काम पकड़ा दिया, बस उसी को करते करते देर हो गई। अच्छा अब मैं जल्दी से तेरे लिए खाना बना देती हूँ, तुझे भूख लगी होगी ना। हाँ दीदी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो ना। इतना कहकर बेचारी सोनाली थकी हारी अपनी बहन के लिए खाना बनाने लगती है और फिर दोनों बहनें एक साथ बैठकर खाना खाती है। लेकिन जब अगली सुबह मीना उठती है तो देखती है कि सोनाली अभी तक सो रही है। ये देखकर मीना कहती है, अरे दीदी क्या हुआ, आज आप इतनी देर से सो रही हो, चलो जल्दी से उठ जाओ, आपको भी तो काम पर जाना होगा ना। मीना की आवाज़ सुनकर सोनाली कराते हुए आवाज में कहती है, हाँ मीना आज तो मुझे भी काम पर जल्दी जाना था, लेकिन क्या करूँ मुझसे तो खराब ही नहीं हुआ जा रहा। अरे दीदी क्या हुआ आपको, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है। इतना कहकर मीना जैसे ही सोनाली के सर पर हाथ लगाती है, वो देखती है कि सोनाली को बहुत तेज बुखार है। अरे दीदी आपको तो सच में बहुत तेज बुखार है, अब मैं क्या करूं? दीदी आप यही रुकिए, मैं अभी आपके लिए ठंडे पानी की पट्टी लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीना ठंडे पानी की पट्टी लाकर सोनाली के सर पर लगाती है और कहती है, दीदी मुझे माफ करना, आज आपकी इतनी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा एग्जाम है और आज आपको भी काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज आप घर पे ही आराम करिए। इतना कहकर मीना अपने स्कूल चली जाती है, लेकिन अपनी बहन की तबीयत खराब होने की वजह से मीना का एग्जाम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो जैसे तैसे एग्जाम देकर अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन जब वो घर आती है तो देखती है कि उसकी बहन की तबीयत पहले से और भी ज्यादा खराब हो गई है। ये देखकर वो कहती है, अरे दीदी क्या हुआ, आपको
कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आपका शरीर तो आग की तरह जल रहा है, लगता है आपको ठंड लग गई है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं गांव के वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर मीना गांव के वैद्य जी को बुलाकर लाती है। जब वैद्य जी सोनाली को देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे मीना बेटा, तुम्हारी बहन को निमोनिया हो गया है ठंड की वजह से, इसलिए तुम्हें अपनी बहन को शहर ले जाना पड़ेगा। वहाँ के डॉक्टर ही तुम्हारी बहन को ठीक कर पाएंगे। लेकिन काका, शहर के डॉक्टर तो बहुत पैसे लेते हैं ना? हाँ बेटी, हम गांव के छोटे मोटे वैद्य कम पैसों में भी इलाज कर देते हैं, लेकिन शहर के बड़े बड़े डॉक्टर तो बहुत सारे पैसे लेते हैं दवाई करने के लिए। पर काका, मैं दीदी को शहर कैसे लेकर जाऊंगी? हमारे पास तो दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो ऐसे में दीदी को शहर कैसे ले जा पाऊंगी? बेटी, ठंड की वजह से तुम्हारी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, इसलिए तुम्हें उसे शहर ले जाना ही होगा, वरना इसकी जान भी जा सकती है। इतना बोलकर वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं और मीना अपनी बहन के सीने पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, दीदी आपको क्या हो गया? दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी बहन का इलाज कराऊं? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। काश अगर आज माँ और पिताजी जिंदा होते तो वो दीदी का कितने अच्छे से इलाज करवाते। इतना कहकर मीना जोर जोर से रोने लगती है। तभी आसमान से गुजर रही एक परी को मीना के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहती है, अरे ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ है, मुझे चलकर देखना चाहिए, कहीं ये बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं है। इतना कहकर परी मीना के घर आती है और उससे कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना रो क्यों रही हो और तुम्हारी बहन ऐसी क्यों लेटी हुई है? परी के इतना कहते ही मीना बिना कुछ सोचे समझे परी को सारी बातें बता देती है और कहती है, परी जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए, मेरा इस दुनिया में मेरी दीदी के सिवा कोई नहीं है। मीना तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। इतना बोलकर परी जैसे ही अपनी छड़ी सोनाली के ऊपर घुमाती है वैसे ही सोनाली बिल्कुल ठीक हो जाती है और ये देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे दीदी आप तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ मीना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, अगर आज आप नहीं आती तो पता नहीं क्या होता, मैं कैसे अपनी दीदी को ठीक कर पाती। मीना सोनाली तुम लोग चिंता मत करो, मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और तुम दोनों बहनों का इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अब तुम दोनों बहनों को और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी इस झोपड़ी को एक जादुई घर में बदल दूंगी और साथ ही मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक दे रही हूँ, जिसके बाद तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी तुम इस जादुई फ्रॉक से मांग सकती हो और ये फ्रॉक तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। क्या आप सच कह रहे हो परी जी, हमारा ये घर जादुई घर में बदल जाएगा? ये फ्रॉक जादुई है? हाँ बिल्कुल। इतना कहकर सोनाली और मीना परी का धन्यवाद करती है और परी अपनी जादुई शक्तियों से उन लोगों की टूटी फूटी झोपड़ी को एक जादुई घर में बदल देती है और उन्हें एक जादुई फ्रॉक देती है, जिसके अंदर उन दोनों बहनों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और अब दोनों बहनें खुशी खुशी उस जादुई घर और जादुई फ्रॉक के साथ अपना जिंदगी गुजारने लगते हैं। दयालु लहंगा का पेड़ और टकली लड़की। ठंड के मौसम में कोयली जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके खाना बना रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ भूमिका वहाँ आती है और उससे कहती है, कहाँ मर गई महारानी, आज खाना खाने को भी मिलेगा या फिर आज पूरे दिन चम्मच ही हिलाते रहोगी? बस थोड़ा सा बाकी है माँ, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। क्या अभी तक खाना नहीं बना? अरे करम जली, मेरी बेटी कितने देर से खाने का इंतजार कर रही है और महारानी से अभी तक खाना ही नहीं बना है, बनेगा भी कैसे? सुबह सोने से फुर्सत मिले तब ना। माँ मैं तो हर रोज सुबह 5 बजे ही उठ जाती हूँ, लेकिन घर में इतना सारा काम होता है और सब मुझे अकेले ही करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी देरी हो जाती है। क्या बोली, अब तो तेरी जुबान भी चलने लगी है,
अरे मनहूस करमजली, जुबान चलाने में कम और खाना बनाने में ज्यादा ध्यान दे और जल्दी कर, हमें बहुत तेज की भूख लगी है। थोड़ी देर बाद कोयली खाना बनाकर लाती है। ये लीजिए माँ, खाना तैयार है। ए कोयली, क्या तुझे पता नहीं है मुझे सुबह टाइम से खाना चाहिए होता है, वरना मेरे पेट में दर्द होने लगता है। इतनी सी बात क्या तेरे भेजे में नहीं घुसती? तभी भूमिका की बेटी मेघा हंसते हुए कहती है क्या माँ अभी कैसी बात करती हो? अरे भेजे में तो तब घुसेगा ना जब इसके भेजे में कुछ हो, इसका भेजा तो पूरा खाली है टकली अब यही खड़ी रहेगी या जाएगी यहाँ से? तो जैसे गंजे काली को सामने देखकर क्या हम माँ बेटी का खाने का निवाला अंदर जाएगा? अब जाए यहाँ से काली टकली। मेघा, मैं बदसूरत नहीं हूँ। मेरी माँ कहा करती थी कि मैं उसके लिए दुनिया की सबसे सुंदर बेटी हूँ, बिल्कुल चांद की तरह। अरे फिर शायद तुम्हारी माँ तुम्हें ये बताना भूल गई होगी कि वो अमावस्या के काले डरावनी चांद की बात कर रही थी बिल्कुल सही कहा माँ, अमावस्या की चांद कोयली रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी भूमिका कोयली को बैठा देखकर बोलती है, अरे ओ महारानी, बैठे बैठे कुर्सी ही तोड़ती रहोगी या कोई काम भी करोगी? सारा काम तो मैंने कर दिया है माँ। बाथरूम में मेरा और मेरी बेटी के बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, उसे ले जाकर धो दे, अब जल्दी कर। ठंड में कोयली रोते हुए कपड़े धुल रही थी क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी। यह कितनी ठंडी है, हे भगवान, ये पानी भी बर्फ की तरह है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं पर बर्फ की तरह जम जाऊंगी। माँ कहाँ हो आप? अगर आज आप होती तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। मैं पूरे दिन घर का काम करते रहती हूँ, फिर भी मेरी सौतेली माँ और बहन मुझे बुरा भला बोलकर हमेशा ताने देते रहती है। कोयली सारा कपड़ा धुलकर आंगन में लगे पेड़ के नीचे बैठ जाती है। यहाँ कितना सुकून है, ये पेड़ मेरी माँ ने अपने हाथों से लगाया था। बचपन में मैं इस पेड़ पर चढ़कर कितना खेला करती थी और इस पर झूले भी झूला करती थी। पेड़, क्या आपको ये सब याद है? तभी उस पेड़ से एक पत्ता टूटकर कोयली के पास गिरता है। ये क्या, क्या पेड़ आप सच में मेरी बातों को सुन रहे थे क्या? तभी कोयली को अंदर से उसके सौतेली माँ की आवाज आती है, कोयली, अरे ओ कल्लो माई, कहाँ मर गई? क्या कपड़े धुलते धुलते तेरे हाथ पैर भी घिस गए हैं क्या? जल्दी अंदर आ, और भी बहुत सारे काम है। तभी कोयली को सौतेली माँ उसे और भी कपड़े धुलने के लिए दे देती है। कोयली उन सारे कपड़ों को अपने हाथ में लिए उसी पेड़ के पास जाकर बोलती है, अभी अभी तो मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे, लेकिन इन लोगों ने फिर से मुझे इतने सारे कपड़े धुलने को दे दिया। अगर मना करूंगी तो बहुत मार पड़ेगी। हे भगवान, क्या मुझे कभी इन सब से मुक्ति मिल भी पाएगी या नहीं? मुक्ति है। कौन बोल रहा है? कोयली, डरो मत, मैं हूँ। क्या आप बात कर सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सच्चे और एक अच्छे इंसान से ही बात करता हूँ, सबके साथ नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारा सारा काम मैं कर दिया करूँगा। अब तुम इन सारे कपड़ों को मेरी छाया में रख दो। कोयली जैसे ही कपड़े का टब वहाँ पर रखती है, तभी सारे कपड़े अपने आप धुल जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ? पेड़ जी, क्या आप कोई जादुई पेड़ हैं? हाँ कोयली, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अब से तुम्हारे पास जो भी काम हो सब मेरे पास ले आना। ठीक है। इतना बोलकर कोयली अंदर जाती है। तभी भूमिका कहती है, अरे तू अभी तक यहाँ घूम रही है? किसी ने बिल्कुल सही ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तेरी तो खबर लेनी पड़ेगी। पर माँ, मैंने ये सारे कपड़े धुल दिए हैं, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि और भी कोई काम है तो बता दीजिए। क्या कहा, इतनी जल्दी सारे कपड़े धुल गए? अरे ये तो सच में धुले हुए हैं। अब इन कपड़ों को यही रख दे और ये सारे फटे हुए कपड़े ले जा और सिल कर ले आ, अब जा जल्दी। पर माँ, मैं इतने सारे कपड़े कैसे सिलूंगी? मुझे अभी रात का खाना भी बनाना है।
वो सब मैं नहीं जानती, बस काम टाइम से हो जाना चाहिए। कोयली सारे फटे हुए कपड़ों को लेकर जादुई पेड़ के पास जाती है और कहती है, जादुई पेड़, ओ जादुई पेड़। बोलो कोयली। जादुई पेड़, क्या आप इन सारे फटे हुए कपड़ों को सिल सकते हो क्या? क्यों नहीं कोयली, तुम इन सारे फटे हुए कपड़ों को मेरी छाया में रख दो। शुक्रिया जादुई पेड़, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही मेरा ख्याल रखते हो। अब मैं जाती हूँ। कोयली कपड़े को लेकर अंदर जाती है। क्या हुआ, तुझे मैंने कहा था ना कि सारे कपड़े सिलकर ले आ। शांत हो जाइए माँ। माँ, मैं ये सारे कपड़े सिलकर ही लाई हूँ। क्या, पर इतनी जल्दी कैसे? तू तो अभी अभी कपड़े लेकर यहाँ से गई थी। माँ, लगता है ये काम चोर सही से काम नहीं कर रही है। रुकिए माँ, मैं आपको अभी कपड़े चेक करके बताती हूँ। उसके बाद मेघा सारे कपड़े को चेक करती है। माँ, कपड़े तो एकदम बराबर से सिला हुआ है। अब जल्दी जा और जाकर खाना बना। आज अगर टाइम से खाना नहीं बना तो तेरी खैर नहीं। कोयली जल्दी से खाना का सारा सामान लाकर जादुई पेड़ के पास रख देती है और उसका खाना अपने आप ही बन जाता है। उस दिन के बाद से कोयली को कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसके सारे कामों में जादुई पेड़ उसकी मदद करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। कोयली अब पहले से बहुत ज्यादा खुश रहने लगती है। तभी कोयली को खुश देखकर उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन को उस पर शक होता है। माँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये जरूर कोई जादू टोना सीख कर आई है, तभी तो ये इतनी जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती है। और तो और, अब तो इस पर आपकी बातों का कोई असर भी नहीं होता है। तो ठीक कह रही है बेटी, हमें जल्दी ही ये पता लगाना पड़ेगा, आखिर इन सब में कोयली का साथ कौन दे रहा है। चल मिलकर पता करते हैं। तभी दोनों माँ बेटी कोयली पर नजर रखने लगती है। एक दिन, जादुई पेड़, ओ जादुई पेड़, जल्दी से ये सारे बर्तन धुल दीजिए। कोयली के इतना कहते ही सारे बर्तन साफ हो जाते हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती है। देखा माँ आपने, देखा ना, ये डायन कैसा जादू टोना करती है। तभी तो मैं सोचूं, ये मनहूस इतना जल्दी जल्दी काम कैसे कर रही है। तो ये है इसका सारा माजरा, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तभी दोनों माँ बेटी कोयली के पास जाती है। अरे माँ, मेघा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, चुड़ैल कहीं की मेरे घर में रहकर काला जादू करती है। हाँ माँ, ये दिखने में भी बिल्कुल चुड़ैल के जैसी ही लगती है। अब तो इसकी हरकतें भी चुड़ैल जैसी ही हो गई है। मुझे तो अब इससे डर लगने लगा है। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, ये पेड़ तेरी माँ ने लगाया है ना। रुक जा, तेरे इस काले जादू और इस भूतिया पेड़ को मैं आज ही काट देती हूँ। नहीं माँ, आप ऐसा मत करिए। माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जो कहोगी मैं वो सब करूँगी। लेकिन माँ, आप इस पेड़ को मत काटो, आपको सजा देनी है ना। माँ, आप जो मन करे वो सजा मुझे दो, लेकिन इस पेड़ को मत काटो माँ। कोयली रोते रहती है, लेकिन भूमिका और मेघा मिलकर उस पेड़ को काट देती है। ऐसा मत करो माँ, इस पेड़ को मत काटो, वरना अनर्थ हो जाएगा माँ, रुक जाओ। तभी पेड़ में से एक जादू होता है और भूमिका और मेघा जैसे ही उस पेड़ को काटते हैं, वे दोनों काली और टकली हो जाती है। माँ, ये क्या, आपके सारे बाल कहाँ गायब हो गए और आप इतनी काली कैसे हो गई माँ? अरे बेटी, ये तुझे क्या हो गया, तू भी बिल्कुल काली और बदसूरत हो गई है, और तेरे सिर के भी सारे बाल गायब हो गए हैं। तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, ये जो भी हुआ है ये तुम लोगों के ही कर्मों का फल है। तुमने बेचारी कोयली पर बहुत अत्याचार किया है, ये सब उसी की सजा है। और कोयली, तुम चिंता मत करो, अब ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं जाते जाते अपने पेड़ का ये जादुई लहंगा तुम्हें दे रहा हूँ। तुम जैसे इस लहंगा को पहनोगी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी, और तुम्हारे सर पर लंबे घने बाल आ जाएंगे। और हाँ, ये जादुई लहंगा हमेशा तुम्हारी मदद किया करेगा।
इतना बोलकर वह जादुई पेड़ गिर जाता है और भूमिका और मेघा को उसके किए की सजा मिल जाती है और कोयली अपने जादुई लहंगा के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।